थायरोक्स 200 एमसीजी टेबलेट कहाँ पर चलाई जाती है, किस तरीके से काम करती है, इसके डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, संपूर्ण रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। थायरोक्स 200 एमसीजी टेबलेट मेगलोर्स कंपनी का प्रोडक्ट है। एक छोटी कांच की शीशी के अंदर ही आती है। करीब करीब दोस्तों 100 टेबलेट से लेकर 120 टेबलेट तक इसके अंदर क्वांटिटी आती है, ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां भी बनाती है, जैसे कि एल्ट्रोक्सिन हो गई, थायरोनोरम हो गई एबट कंपनी की, एल्ट्रोक्सिन गैलेक्सो की आती है, और थायरोरूप हो गई लुपिन कंपनी की, बहुत सारी कंपनी बनाती है, ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी लीजिएगा, सेल्फ यूज इसका नहीं होता दोस्तों, सेल्फ यूज मत कीजिएगा। देखिए इसके अंदर आता है सोल्ट थायरोक्सिन। अब ये थायरोक्सिन कहाँ पर चला जाता है दोस्तों? थायरोक्सिन सोडियम एक हार्मोन्स होता है जो बॉडी के अंदर नेचुरली बनता है, जो यहाँ पर जो ग्लैंडर होता है थायराइड ग्लैंडर, ये उसको बनाता है। लेकिन दोस्तों कई बार इस ग्लैंडर के अंदर ही कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, इसका कैंसर हो जाता है, जो ये ग्रंथि होती है इसको निकालना पड़ सकता है। वहाँ पर इस हार्मोन्स को मतलब ऑटोमेटिकली वापस लाने के लिए इस टेबलेट को अलग से दिया जाता है, ठीक है। ये भी नेचुरली ही होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस हार्मोन्स को पूर्ति करने के लिए टेबलेट डॉक्टर ऊपर से देते हैं। अभी इतना क्यों जरूरी होता है? देखिए दोस्तों, ये जो हार्मोन्स है ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कार्बोहाइड्रेट को डिसॉल्व करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों को मजबूत करता है, ब्रेन को मतलब फोकस करता है, ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों ये हार्मोन्स। अगर ये नहीं होगा तो बॉडी वेट बढ़ने लगेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा व्यक्ति, और भी बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी। इसलिए इसको पूर्ति करने के लिए ये टेबलेट फॉर्म में डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति को लाइफ टाइम खानी पड़ सकती है, अगर ग्राइंडर निकाल दिया गया हो, कैंसर हो गया हो, वहाँ पर लाइफ टाइम खानी पड़ सकती है। और कुछ व्यक्ति को अलग कोई बीमारी के कारण इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर कुछ साल या कुछ महीने के लिए खानी पड़ सकती है। बाद में जब ये नेचुरली प्रोड्यूस होने लगेगा तो वहाँ पर इस टेबलेट को बंद कर दिया जाएगा, कोई आदत नहीं पड़ती इसकी। डोज की बात करें, एक टेबलेट खाली पेट ली जाती है, सुबह सुबह एक नाश्ता करने से पहले ली जाती है, उसी टाइम पर दूसरी टेबलेट आप लीजिएगा 24 घंटे बाद, ठीक है। एक दिन में एक टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, डोज को मत भूलिएगा कभी भी, बिना डॉक्टर एडवाइस से इसको बंद मत कीजिएगा, और हमेशा महीने से या वीक से मॉनिटरिंग करती रहेगा। कई बार दोस्तों वो हार्मोन्स बनने लग जाता है लेकिन पता नहीं होता, वो कंटिन्यू टेबलेट खाते रहते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, सर दर्द या बुखार, वोमिटिंग या थकान हो सकती है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता, ये भी बहुत ही कम चांस में ही होते हैं। तो संपूर्ण रिव्यू होता कमेंट बॉक्स जाएगा, और कौन सी मेडिसिन आपको वीडियो देखना है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत